क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसका क्या उद्देश्य है? 30 जून को घनश्याम दीक्षित नाम के व्यक्ति की, उसे हत्या कहो आत्महत्या कहो वो जो भी है वो तो जांच का विषय है, हुई थी, उसमें हमारे भाई और भतीजे को निर्दोष फंसा दिया है। उसमें पिछले 5 महीनों से हम बराबर इस काम पे लगे हुए हैं, अधिकारियों से, नेताओं से, प्रशासनिक अधिकारियों से, आईजी से, डीआईजी से, जितना भी हम जा सकते थे हम सब जगह गए, लेकिन जहां भी हम जाते थे वहां पे एक नाम सामने आ जाता था। अधिकारी मजबूर हो गए, कहते साहब हम मैडम के सामने हम कुछ नहीं बोल पाए, वो आपका विरोध कर रही है, आप उनको मना लीजिए तो हम कुछ कर सकते हैं, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। और इसमें, इस केस में हमारे भाई की जमानत, समरवीर सिंह की जमानत भी हो गई थी कोर्ट से, तो जैसी जिस दिन जमानत हुई अगले दिन ही उन्होंने उस पर गैंगस्टर लगा दिया। अब भाई और भतीजा दोनों पे गैंगस्टर लगा हुआ और जेल में निरुद्ध है। हमें जब कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिला, कहीं से न्याय नहीं मिला, तो मजबूरी हुई कि हम इसको जो है आप लोगों के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया को ये बताया कि हमारे साथ में क्या अन्याय हो रहा है और हमें न्याय मिले, इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौन सी है वो मैडम का क्या नाम है? मैडम का स्पष्ट है, हमारे एक सांसद महोदय है, उनका वायरल भी हुआ है एक वीडियो जिसमें वो कहती हुई सुनी जा रही है कि साहब इन पे गैंगस्टर लगा दो ताकि इनकी जमानत ना हो सके, कभी बाहर ना आ सके। क्या नाम है? श्रीमती मेनका गांधी, हमारी सांसद महोदय। और ये किसके कारण लगाया गया? इसके सबसे पीछे जो कहने को बात आ रही है, कोई कौशल वाजपेयी है जो उनके साथ चिपके रहते हैं हमेशा, लेकिन शायद मेनका गांधी इस बात को नहीं समझ रही है कि कौशल वाजपेयी का जो स्टंट है ये, उनको इस तरीके से बरगलाना, वो उनको हराने का, क्षेत्र में उनकी छवि खराब करने का ही मुहिम है जिससे उनकी छवि खराब हो और चुनाव हारें।